सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यार तो हम इस वीडियो में बात करने वाले रेडमी नोट 8 के बारे में, जो कि मैंने लॉकडाउन के बाद इसको लिया है। काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, मैंने अभी रिसेंटली इसको बाय किया था अपने किसी फ्रेंड के लिए। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ यहाँ पर, और ये मुझे मिला है लगभग 15,000 से ऊपर ही पड़ा है मुझे यहाँ पर। मैंने इसको ऑनलाइन नहीं परचेस किया है, मार्केट में किसी मेरे फ्रेंड की शॉप पर था ये, तो मैंने वहाँ से लिया है। उनका ये पहला आया हुआ था, लॉकडाउन से पहले लिया हुआ था, तो मुझे कुछ सस्ता पड़ गया, 14,800 का मिला था। लेकिन करंटली अगर आप रेट चेक करेंगे इसके फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पर 15,800 16,000 तक यहाँ पर रेट है इसके। और ये 6 GB 128 GB वाला वेरियंट मैंने लिया है, तो इसके अनबॉक्सिंग में आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है वैसे भी, तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का बॉक्स मिला है ये, और ये मैंने लिया था एक शॉप से। तो यहाँ पर ऊपर का कोई बॉक्स या अमेजोन या फ्लिपकार्ट का कोई बॉक्स नहीं है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये 48 MP AI क्वेट कैमरा के साथ आता है। पीछे की तरफ यहाँ पर क्वेट कैमरा सेटअप है। 18 वाट्स का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स दिया हुआ है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 AI प्रोसेसर के साथ आता है। कलर यहाँ पर मूनलाइट वाइट है, और ये 6 GB 128 GB वाला वेरियंट है। पीछे तो कुछ प्राइस वगैरह मेंशन है यहाँ पर, 15,999 और यहाँ पर और कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। तो चलो बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स में अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ये कुछ इस तरह अंदर एक TPU केस मिल जाता है। केस ठीक ठाक क्वालिटी का है, जैसा कि Xiaomi के फ़ोन से साथ आता है। और सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है हमें यहाँ पर। ये हमारा फ़ोन है, तो फ़ोन मूनलाइट वाइट कलर है, ये काफ़ी अच्छा कलर लगता है देखने में। तो इसको मैंने साइड में रखा और मैं अंदर देखता हूँ क्या मिलता है। तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, और यहाँ पर कुछ ये एक डाटा केबल मिला हमें USB Type-C वाला, और यहाँ पर 18 वाट्स का फास्ट चार्जर भी साथ में दिया हुआ है इन द बॉक्स। तो ये देख सकते हैं 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर तक की चार्जिंग निकलता है। तो अब बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ, बाकी सब यहाँ पर हो गया है। तो फ़ोन यार कुछ इस तरह का है, पीछे की तरफ यहाँ पर क्वेट कैमरा सेटअप है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार कुछ इस तरह का हमें फ़ोन मिल जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फ़ोन है ये, और यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट मिलता है हमें। तो फ़ोन दो सिम और एक मेमोरी कार्ड साथ साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ माइक्रोफोन, 3.5 mm ऑडियो जैक, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे मिल जाती है। ऊपर की तरफ वायर ब्लास्टर है और सेकेंडरी माइक्रोफोन है। राइट साइड में पावर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम अप डाउन कीज मिल जाते हैं। बाकी चलिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। फ़ोन ऑन हो गया है हमारा। तो फ़ोन का लुक वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है, पसंद आता है मुझे। स्नैपड्रैगन का 665 AI प्रोसेसर यहाँ पर लगा हुआ है। 6 GB LPDDR4 का 4 RAM का सपोर्ट मिल जाता है हमें यहाँ पर, और 128 GB यहाँ पर स्टोरेज है। तो ठीक ठाक है फ़ोन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।